मैं हूँ सुनीता, आप देख रहे हैं टेक्नो सुनीता। गैस आज के वीडियो में हम देखेंगे जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर फंक्शन कैलकुलेटर है, ये वर्क कैसे करता है। गैस आज के वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज देखेंगे। गैस मैंने ये जो बॉक्स लिया है ये 100% है और इसमें पैडिंग सेट किया हुआ है। ये कैसे सेट किया हुआ है, यहाँ पे स्क्रॉल क्यों नहीं आया, हम इसके आगे में देखेंगे। गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। गाइस मैंने यहाँ पे HTML ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा ये बेसिक HTML कोड है यहाँ पे। और मैंने सिंपली एक स्टाइल शीट यहाँ पे लिंक किया हुआ है। एक डिव ऐड करेंगे, डिव में पी टैग में हम कुछ कंटेन ऐड कर देंगे, डमी से लोरम काट कर देते हैं। देन हम डिव को गाइस क्लास दे देंगे बॉक्स। ओके अब ये बॉक्स को हम इसके CSS में लिखेंगे। अब बॉक्स हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा रिव्यू कैसा दिख रहा है। बॉक्स बैकग्राउंड कलर हम डार्क ब्लू ऐड करते हैं। टिक व्हाइट ऐड कर देते हैं। ओके देन हम इसका फॉन्ट साइज ऐड कर देते हैं। गाइस जो ये हमारा बिट कैलकुलेटर है, ये फंक्शन जो है ये हमारा परसेंटेज प्लस पिक्सल भी बहुत इजीली अच्छे से वर्क करता है। हम देख सकते हैं, सपोज मैंने इसको बिट यहाँ पे दिया, बिट दे दिया मैंने 100%। ओके मैंने बिट को 100% अभी सेट कर दिया, देख सकते हैं। ओके गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा बिट है, पूरा यहाँ पे 100% दिया हुआ है। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग 0, ब्राउजर को मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन में पैडिंग रहती है उसको हम 0 कर देते हैं। गाइस अभी आप देख सकते हैं, लेकिन ये मेरा बॉक्स ना अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं हाइट भी सेट कर सकती हूँ। सपोज मैं इसको हाइट सेट कर देती हूँ 500 पिक्सल। ओके गाइस वो कंटेंट हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए मैं इसको पैडिंग सेट करती हूँ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। गाइस आपने देखा कि मैंने इसको पैडिंग ऐड किया तो पर यहाँ पे स्क्रॉल आ गया। मैंने भी 100% किया था, कोई भी ब्राउजर हो, कुछ भी कोई वीडियो, इस ब्राउजर को 100% लेना चाहिए। पर मैं जैसे इसको फॉर्मेट करती हूँ तो यहाँ पे 20 मैंने 40 पिक्सल पैडिंग लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल आ गया। अब स्क्रॉल ना आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बिट का फंक्शन लगाएंगे सब्सट्रैक्शन का। तो बस ये भी हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे कैलकुलेटर का फंक्शन लगाएंगे 100% माइनस कितना पैडिंग दिया है मैंने 40 पिक्सल। जस्ट मैंने यहाँ पे 40 पिक्सल ऐड किया, अभी देख सकते हैं अब मेरा यहाँ पे स्क्रॉल हट गया, ये स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, लेफ्ट राइट से वो कैलकुलेट हो गया है 40 पिक्सल। अगर अभी हम यहाँ का स्क्रॉल हट गया है, ये हम चेक करने के लिए एक काम करते हैं, जो मेरा बॉक्स है ना वहां पे हम इसको बॉर्डर ऐड करते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉरी रेड कलर यूज किया है। रिफ्रेश करके चेक करेंगे, गाइस आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से
और यहाँ पे स्क्रॉल नहीं है हमारे इस पेज पे।